अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की अपनी इस वीडियो में जिस चीज़ के बारे में आप लोगों को बताने लगा हूँ वो सामने आप लोगों के लिखा हुआ है क्रिगिंग। क्रिगिंग जीआईएस में एक स्पेशल एनालिसिस टूल है। जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि IDW को कैसे हमने करना है, IDW किस चीज़ में आता है। इंटरपोलेशन का एक टूल है IDW, उसके अंदर ही साथ यहाँ पे क्रिगिंग आता है। और क्रिगिंग में आप लोगों को मैंने बताया था, क्रिगिंग जब हमने सरफेस के ऊपर स्मूथ डाटा लेके आना होता है तो हम क्रिगिंग यूज़ करते हैं। ये डाटा के ऊपर भी डिपेंड करता है। अक्सर हमारे पास जो IDW में रिज़ल्ट आ रहा होता है वो कुछ और आ रहा होता है, और जो हमारे पास क्रिगिंग में रिज़ल्ट आ रहा होता है सरफेस के ऊपर वो कुछ और आ रहा होता है। क्रिगिंग में मोस्टली ये होता है कि ये स्मूथ डाटा हमारे पास लेके आता है। क्रीगिंग को अप्लाई कैसे करना है वो आप लोगों को मैं प्रैक्टिकली करके बताता हूँ ArcGIS के अंदर। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि मज़ीद नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। और हाँ, अगर आप लोगों को मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो आप लोग उसको लाइक भी कर सकते हैं एंड शेयर और कमेंट भी कर सकते हैं। तो चलो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग आर्क मैप ओपन कर लें, और जैसा कि लास्ट वीडियोस में भी मैंने आप लोगों को बताया है कि मैंने फाइबर के ऊपर भी काम स्टार्ट किया है। अगर आप लोग मुझसे मैप बनवाना चाहते हैं, किसी भी किस्म का मैप बनवाना चाहते हैं, वो लैंड यूज़ के रिलेटेड मैप है, वो स्पेशल एनालिसिस के ऊपर मैप है, आप कोई पॉइंट डाटा मैप बनवाना चाहते हैं, कोई स्टडी एरिया मैप बनवाना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे फाइवर पे Mr/GIS के नाम से मेरी जो है आईडी है इसके ऊपर आके मुझे ऑर्डर भी दे सकते हैं, और मैं आप लोगों को बहुत लोएस्ट रेट के ऊपर मैप बना के बहुत अच्छा दे सकता हूँ। यहाँ पे मैं देख भी सकते हैं, मैंने एक गिग भी बनाई हुई है, आई विल डू लैंड यूज मैपिंग एनी GIS मैपिंग इन आर्क मैप। तो यहाँ पे चलें स्टार्ट करते हैं। हमारा मैप आर्क मैप जो है वो ओपन हो चुका है। अब हम यहाँ पे डाटा ऐड करते हैं। डाटा हम वही यूज़ करते हैं, डाटा मेरे पास दूसरा भी है, लेकिन मैं वही जो लास्ट वीडियो में IDW के लिए यूज़ किया था वही डाटा यहाँ पे भी यूज़ करता हूँ KP के मेट स्टेशन। ये वाला डाटा जो है एक्सेल फॉर्म में यहाँ पे हमारे पास आ रहा है, मैं इसको इसके साथ ज्वाइन करवा देता हूँ। अब तमाम डाटा इस फाइल के अंदर भी शो हो रहा है। जब डाटा को ज्वाइन एंड डिलीट करवा लेते हैं उसके बाद सिंपली हमने क्या करना होता है, हमारे पास यहाँ पे आर्क टूल बॉक्स भी शो हो रहा है, हम यहाँ पे भी यहाँ से ओपन कर सकते हैं, जहाँ सर्च में जाके यहाँ पे भी क्रीगिंग लिख सकते हैं, एंटर करते हैं तो यहाँ पे भी हमारे पास क्रीगिंग का जो स्पेशल एनालिसिस टूल है वो ओपन हो जाता है। आप इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो आप लोगों के सामने यहाँ पे बॉक्स आ जाएगा। अगर आप लोगों को यहाँ पे नहीं इस तरह मिल रहा तो आप लोग आर्क टूल बॉक्स के अंदर आए, ये नीचे स्पेशल एनालिसिस टूल थर्ड लास्ट के ऊपर स्पेशल एनालिसिस टूल आ रहे हैं, इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करें। देन इसके अंदर इंटरपोलेशन आ रहा है, इंटरपोलेशन में आप क्रिगिंग का टूल इसके ऊपर आप डबल क्लिक करेंगे। जैसे ही आप डबल क्लिक करेंगे यहाँ पे आप लोगों के सामने एक बॉक्स ओपन हो जाएगा। अब इस बॉक्स में वो यहाँ पे सबसे पहले वो जो चीज़ पूछ कह रहा है वो कह रहा है इनपुट पॉइंट फीचर। इनपुट पॉइंट फीचर आप यहाँ पे मेट स्टेशन सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे जी वैल्यू फील्ड जो है आप लोग कोई भी आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। लास्ट वीडियो में जो IDW के लिए मैंने एनुअल यूज़ किया था, आप लोग जहाँ पे एनुअल यूज़ करना चाहते हैं एनुअल यूज़ कर लें। जो भी आपका डाटा होगा वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। आप ज़रूरी नहीं है आप लोगों के पास यही डाटा हो, ये तो मैं जस्ट आप लोगों को बताने के लिए दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे आप ये डाटा सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद नंबर ऑफ पॉइंट जो है आप 15 यहाँ से सिलेक्ट कर लें क्योंकि नंबर ऑफ पॉइंट हमारे पास 15 है। अब
उसके बाद सिंपली आप लोगों ने ओके कर देना है। यहाँ पे क्रीकिंग मेथड होता है ऑर्डिनरी या यूनिवर्सल, ये एक अलहदा मतलब आप लोगों को दूसरे मैं डेटा पे अप्लाई करके बता देता हूँ, लेकिन फिलहाल यहाँ पे आपने ओके कर देना है। जैसे ही आप ओके करेंगे देखिए यहाँ पे ये इस फॉर्म में डाटा आ गया। अब हमारे पास जो मेट स्टेशन का डाटा है केपीके का, ये यहाँ पे इस तरह आ रहा है। तो बाद में हमें बाउंड्री के लिहाज से इसको इसको मास्क लगाना पड़ेगा, तो वो बाउंड्री के अंदर जो भी डाटा आ रहा होगा वो शो होगा। तो मैं आप लोगों को पहले ही बता देता हूँ कि अगर आप लोगों के पास बाउंड्री है एंड डाटा करवाएं यहाँ से। ये हमारे पास केपीके की बाउंड्री है, आप दोबारा यहाँ पे आए क्रीकिंग पे, यहाँ पे आके मेट स्टेशन एनुअल, अब जहाँ पे यूनिवर्सल एक दफ़ा कर लें, लीनियर विद लीनियर लेफ्ट ये जहाँ पे कर लें। उसके बाद आप ये ऑर्डिनरी बेशक रहने दें। इन्वायरमेंट में आके आप लोगों ने क्या करना होता है, प्रोसेसिंग एक्सटेंड डिफॉल्ट, डिफ़ॉल्ट में जाके ये आप लोगों ने सेम एज लेट के पी के की जो ये शेप फाइल है ये सिलेक्ट करनी है। नीचे आ जाएं, नीचे आने के बाद यहाँ पे आप लोगों को रास्टर एनालिसिस नज़र आ रहा होगा। रास्टर एनालिसिस के ऊपर क्लिक करें, देन यहाँ पे मास्क में के पी के की वही सेम फाइल सिलेक्ट कर लें। उसके बाद आप ओके करें, देन अगेन ओके करें। अब ये डाटा हमारे पास यहाँ पे देखें तो बाउंड्री के लिहाज से आ गया है। अब इसी डाटा को एक दफ़ा मैं आप लोगों को IDW के ऊपर अप्लाई करके दिखाता हूँ इसमें और इसमें क्या फ़र्क है। मैंने जैसे कि लास्ट वीडियो में बताया, इसमें बताया है कि क्रीकिंग में जो डाटा हमारे पास आता है वो स्मूथ आता है। मैं IDW भी अप्लाई करके आप लोगों को सेम वैल्यूज़ के ऊपर दिखा देता हूँ। ओके कर दें, ओ सॉरी, वेट, यहाँ पे बाउंड्री सेलेक्ट करना याद नहीं था रहा। एनवायरनमेंट में जाके प्रोसेसिंग स्टैंड सेम केपीके एज लेयर, रास्टर एनालिसिस में भी आप लोग अब यहाँ पे देखें, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था क्रीगिंग में हमारे पास डाटा जो है वह स्मूथ आ रहा है, लेकिन IDW में ऐसा नहीं है। IDW में नेबर की वैल्यू जो है उसकी बेस के ऊपर जहाँ पे वो डाटा ज़्यादा है, जहाँ पे वैल्यू ज़्यादा है वहाँ पे वो उस नेबर्स के लिहाज से इर्द गिर्द का डाटा भी जो है वो दिखा रहे हैं। तो ये दोनों में थोड़ा बहुत फ़र्क है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह इसको शो करवाना चाह रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इस वीडियो की समझ आ गई होगी। कहीं पे भी किसी भी चीज़ में कहीं भी कोई पॉइंट में कन्फ्यूजन है आप नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। आप मुझे मेल भी कर सकते हैं, मेरी मेल है mr.jis007@gmail.com। अगर मेरी वीडियो में अगर आप चाहते हैं कोई किसी और वीडियो किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊं तो आप मुझे वो भी बता सकते हैं, मैं उसके ऊपर भी आप लोगों के लिए वीडियो बना दूंगा। आप लोगों की राय जो है वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखती है। फीडबैक आप लोग देते रहिएगा, क्योंकि आप लोगों को फीडबैक देते हैं तभी जाके मैं इसके ऊपर वीडियो बनाता हूँ, और अगर वीडियो में कहीं कोई कमी बेशी होती है तो वो मैं उसको ख़त्म करने की कोशिश भी करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी है, अगर अच्छी लगी है तो काइंडली इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।